मुश्किलों से ही सफलता के रास्ते तय होते हैं, यह कहना है सतना कंक्रीट प्रोजेक्ट के मालिक जितेंद्र गर्ग का, जिन्होंने कोई रोजगार ना मिलने पर कर्ज के 20,000 से अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत छोटी सी दुकान डालकर की, जिसमें उन्हें शुरुआती दिनों में निराशा हाथ लगी, लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी और अपने व्यापार में ईमानदारी से लगे रहे। आखिरकार कुछ दिनों के संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिल ही गई और उनकी दुकान चल पड़ी। बस यहीं से शुरू हुआ उनके सतना कंक्रीट प्रोडक्ट का सफ़र, क्योंकि जितेंद्र का मानना था आप ठहर जाओ चलेगा, लेकिन आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। और इस तरह एक और मुश्किल भरे सफ़र को तय करने को तैयार जितेंद्र ने सोचा, क्यों ना मैं कोई खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊं और अपने ही गाँव में ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराऊँ। पर उनके पास अभी भी पूंजी का अभाव था, लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपार विश्वास था। शायद उस वक्त पूंजी से भी बढ़कर कहीं होने वाले इस विश्वास ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। शुरू से ही मैं बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। शुरू से मेरे एक रिटेल शॉप थी, मैंने लोगों से कर्ज लेके, परिवार से कर्ज लेके थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुकान किया अपनी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इस व्यापार से जुड़ा हूं, तो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूं, जिसके लिए मैं उद्योग विभाग गया, तो मुझे वहां थोड़ी बहुत जानकारी मिली कि कैसे लोन लिया जाता है, कैसे यूनिट डाली जाती है। और धीरे धीरे मैं प्रोसेस शुरू कर दी थी मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की, और बैंक से मिला, जिससे मुझे प्रधानमंत्री स्वराज योजना के अंतर्गत मेरे को 85 लाख का फाइनेंस हुआ, जिससे मैं अपना सेटअप पूरा बनाया और ब्रिक्स मशीन और पेवर ब्लॉक बनाने की मशीन ले आया, इंस्टॉल किया आपने। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है पहले से? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड शुद्ध किसान थे मेरे घर के, तो मेरे को ये व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई, जिसके कारण लोगों का भरोसा, अपने परिवार का भरोसा धीरे धीरे उनको होने लगा, और मेरे को भी अपने आप में कुछ भरोसा हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। 3 से 4 साल, जब मैं 14-15 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी डाली थी, 3-4 साल मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एक तो रॉ मटेरियल खरीदने में, कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, ये सब कैसे करना है, बिजली कहाँ से लाना है, क्योंकि रूरल एरिया है, बिजली की यहाँ बहुत समस्या होती है। और धीरे धीरे मेरा यूनिट शुरू हुआ, जिससे मतलब ब्रिक्स बनने लगे, पेपर ब्लॉक बनने लगे, और धीरे धीरे मार्केट में मेरा ये बिकना शुरू हो गया, जिससे आज मैं अच्छी स्थिति में पहुँच गया हूँ। मेरे जो लोन था उसकी किस्तें पूरी हो चुकी हैं। जब पहले आपने व्यवसाय शुरू किया था, तो पहली पूंजी आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी व्यवसाय के लिए? मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं पूरा लोन लेके ही काम किया। टर्नओवर कितना है आपका सालाना, अब अगर देखा जाए तो? ये सालाना तो टर्नओवर करोड़ों में है। क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के लिए जो आज स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आपका संदेश? उद्योग विभाग जाएं, पूरी जानकारी लें, मार्केट सर्वे करें कि इस जगह कौन सी यूनिट लगाई जा सकती है। पैसा सब कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत और मेहनत करके और पेशेंस रख कर वो एक अच्छी यूनिट और अच्छा काम कर सकते हैं, लगन और ईमानदारी से। कुछ तो करना पड़ेगा और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। भाई सरकार किसको नौकरी उपलब्ध कराएगी?